थीम्स या सेक्टर्स जो आपको पसंद आते हैं उसमें आपने कैटेगोर के लिए भी लिखा है क्या बड़े लॉन्च uh, हुए जिसकी वजह से आप बोल्थ केयर जो सेक्टर है काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है आपके डोमेस्टिकारेम्स है फार्मा नेम्स है हॉस्पिटल्स है डायग्नोस्टिक है तो ये होलिस्टिक सेक्टर को अगर हम देखें और अगर हम सोचें कि जैसे इंडिया जो भी साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है अगर वो दस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाए नेक्स्ट पंद्रह साल में पंद्रह से सत्रह साल में तो हेल्थ केयर एज अ सेक्टर विल बिकम वेरी बिग इन साइज एंड उसी सेगमेंट में बहुत सारे अलग माइक्रो पार्ट्स है माइक्रो सेगमेंट्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स फॉर एग्जाम्पल कुछ हॉस्पिटल जो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जिसमें तीन हजार साढ़े तीन हजार बेड है पोटेंशियल ऑफ इंडिया बहुत बड़ा हो जाएगा उसी सेगमेंट में कुछ हॉस्पिटल कंपनी बहुत बड़ी हो जाएंगी कुछ डायग्नोस्टिक कंपनी बहुत बड़ी हो जाएंगी कुछ डोमेस्टिक फार्मा कंपनी बहुत बड़ी हो जाएंगी तो हमारा सारा फोकस यही है कि हम अगर इंडिया साढ़े से दस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बने तो उसमें कौन कौन से सेगमेंट कौन कौन से सेक्टर्स बड़े हो जाएंगे और इसमें सिंपल है अगर हम अ, हमको फोकास्ट नहीं करना है हमको है कि यूएस में किस सेगमेंट्स बड़े बने कौन से सेगमेंट्स बड़े बने यूरोपियन रीजन में कौन से सेक्टर्स बड़े बने एंड सिमिलरली अगर हम वैस, उसको अगर देखें इंडिया में वो सेक्टर्स कौन से बड़े हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी बड़ा हो सकता है यहाँ से भी एंड उसमें माइक्रो सेगमेंट्स से है वो बहुत छोटे हैं अभी इन साइज वो काफी बड़ा हो सकते हैं मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है तो मार्केट शेयर गेन स्टोरी भी है उसमें